In this section, I will explain how the preferred portfolio is selected. So, firstly, we need to understand the concept, how the optimal com combination of the risky assets are identified. So, basically, we look at the capital allocation line and then we look at the efficiency frontier. So, we have already discussed these two concepts. Capital allocation line explain karti possible combinations of risky asset and risk-free asset. जो कि आप गिवन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्ट किससे ले सकते हैं और एफिशिएंसी फ्रंटियर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स दोज कॉम्बिनेशन ऑफ द एसेट्स जो कि मोस्ट एफिशिएंट हैं एट अ गिवन सर्टन लेवल ऑफ रिस्क या वालिटी के एक सर्टन रिस्क लेवल को डिफाइन करके आपने अस्यूम किया हुआ है और उसके ऊपर जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन हैं उनकी कॉम्बिनेशन को हम एफिशिएंट फ्रंटियर बोलते हैं सो इफ़ द इफ़ वी आर इफ़ वी सी दैट दियर कैपिटल एलोकेशन लाइन इज टेंज टू द एफिशेंसी फ्रंटियर उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं यहाँ हमें ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्की एसेट्स मिलेगा हम रिस्की एसेट्स की बात कर रहे हैं अभी हम रिस्क फ्री एसेट की बात नहीं कर रहे हैं सो वी आर अस्यूमिंग दैट वी विल बी कमिंग अप वी विल बी डेवेलपिंग अप पोर्टफोलियो जिसमें दो रिस्की एसेट्स हैं और एक रिस्क फ्री एसेट है और ये तीन एसेट्स के मुश्तम ऊपर बेस करती है हमारी पोर्टफोलियो तो अभी बेसिकली इफ़ वी लुक एट दिस पॉइंट ऑफ़ ऑफ़ टेंजेंसी द द कैपिटल एलोकेशन लाइन एंड एफिशिएंसी यू वॉन्ट टू इसको हम फॉर्मूला के थ्रू किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं हम अस्यूम कर सपोज इफ डब्ल्यू वन इज दर्पोर्शन of risky asset 1 and w2 is the proportion of risky asset 2 then w1 can be calculated by taking into account the expected return from the risky asset 1 minus द रिस्क फ्री रिटर्न इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और हैव टू कंसिडर रिस्की एसेट टू की एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री एसेट एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएंस ऑफ द स्टैंड And this will be further multiplied by the correlation coefficient between the risky asset 1 and risky asset 2. This whole thing will be divided by expected return from risky asset 1 minus risk free asset multiplied by the variance of risk free asset 2 plus expected return.

माइनस रिस्की एसेट की रिटर्न एंड दिस होल विल बी मल्टीप्लाइड बाय मैं यहाँ नीचे टर्म लिख रही हूँ उसकी दैट इज रो वन टू द कोरिलेशन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिस्की रिटर्न वन रिस्की रिटर्न टू की स्टैंडर्ड डेविएशन और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डिनोमिनेटर आ जाएगा सो वंस यू हैव एस्टिमेटेड द वैल्यू ऑफ द प्रोपोर्शन

वही वाले पॉइंट को निकाल सकते हैं जो अभी हमने टेंजेंसी पॉइंट की बात की थी सो इफ वी वॉन्ट टू सी इट ग्राफिकली दैट इज अगैन फॉर दैट मैटर वॉट वी विल हैव टू डू इज वी विल हैव टू टेक इन टू अकाउंट द रिस्क ऑन द एक्स एक्सेस एंड द रिटर्न ऑन द वर्टिकल एक्सेस सो देन वॉट वी डू इज वी ड्रॉ द कैपिटल एलोकेशन लाइन वी हैव डिस्कस्ट इट अर्लियर इसकी स्लोप क्या होगी इसका इंटरसेप्ट क्या होगा इसका इंटरसेप्ट होता है हमेशा आपका जो रिस्क फ्री रिटर्न है एंड देन वी ड्रॉ द एफिशिएंसी फ्रंटियर सो सपोज दिस इज़ द एफिशिएंसी फ्रंटियर एंड एफिशिएंसी फ्रंटियर के वो पॉइंट जहाँ कैपिटल एलोकेशन लाइन टेंजेंट है उस पॉइंट के ऊपर हमने अभी डिफाइन किया था कि दैट इज़ दैट पॉइंट गिव्स यू द ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ द रिस्की एसेट वन एंड रिस्की एसेट टू इसको मैं लेबल कर रही हूँ एज पॉइंट टी क्लियर सो ये जो टी के ऊपर आपके रिस्की एसेट वन और रिस्की एसेट एसेड टू में कितने पैसे डालने हैं आपने इन्वेस्ट करने के लिए वो वाली वैल्यू निकल के आती है अभी जो हमने डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू का फॉर्मूला लगाया था उसकी मदद से आप निकाल सकते हैं इसको मैथमेटिकली बाय यूजिंग द फॉर्मूला बट इफ यू वांट टू सी इट ग्राफिकली तो दैट विल कॉरिस्पॉन्ड टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट वेयर द एफिशिएंसी फ्रंटियर ज चेंजिंग टू द कैपिटल एलोकेशन लाइन नाउ इन्वेस्टर के पास जो डिसाइड करने के लिए ऑप्शन पड़े हुए हैं उसमें हम देख सकते हैं क्या वो इन्वेस्ट कैसे करेगा बिकॉज टी पॉइंट के ऊपर वो कॉम्बिनेशन आ रही हैं कि वो अपना तमाम पैसा रिस्की एसेट वन और रिस्की एसेट टू में डाल रहे हैं बट अगैन इन ऑर्डर टू प्रॉपरली डिवेलप आ पोर्टफोलियो समाइम्स इट इज रिकमेंडेड डैट यू पुट सम ऑफ योर मनी इन द रिस्क फ्री एसेट ऑल्सो तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे उसके लिए आपके पास इफ़ यू पुट दिस पर्टिकुलर पॉइंट अगर हम इस पॉइंट इस को लेबल करें एज पॉइंट एफ और इस पॉइंट को लेबल करें एज पॉइंट टी तो कोई भी इन्वेस्टर ने जब पोर्टफोलियो अपना डिसाइड करना है तो दे विल गो फॉर एनी कॉम्बिनेशन दैट फॉल ऑन द लाइन बिटवीन पॉइंट एफ एंड पॉइंट टी ये तमाम जो पॉइंट्स हैं ये रिकमेंड किए जाएंगे अब इनमें से कोई एक इन्वेस्टर कौन सा पॉइंट या कौन सा पोर्टफोलियो प्रेफर करता है हाउ दैट पर्टिकुलर पोर्टफोलियो द प्रिफर्ड ये सारे के सारे जो लाइन पॉइंट एफ से पॉइंट टी के ऊपर पोर्टफोलियोज पड़े हुए हैं ऑल दीज आर द प्रेफर्ड पोर्टफोलियोज बट हाउ वी आर गोइंग टू सेलेक्ट के इन तमाम पोर्टफोलियोज में से हमें कौन सा सेलेक्ट करना है फॉर दैट मैटर देर आर सर्टन अदर थिंग्स दैट आर टेकन इन टू कंसिडरेशन बाय द इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स जो इन्वेस्टमेंट के एडवाइजर्स होते हैं या फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं वो कंसिडर करते हैं सर्टन अदर फैक्टर्स ऑल्सो और उसमें आप जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी इनपुट भी ली जाती है और एक फाइनल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कि वो किस किस्म के प्रोडक्ट्स पसंद करते हैं तो फॉर दैट मैटर देर आर द अदर थिंग्स दैट आर कंसिडर्ड इन एडिशन टू द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न द रिस्क फ्री रिटर्न हमने बी डिस्कास्ट किया फिर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज़ को अकाउंट फॉर किया था इसके अलावा इट इज इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर कि आपका प्लानिंग होराइजन क्या है वी हैव के प्लानिंग होराइजन होता क्या है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट साइकिल इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका किस लाइफ साइकिल के किस पॉइंट पे बैठे हुए हैं आप रिटायरमेंट के करीब हैं आप रिटायर हो चुके हैं आपने नई नई जॉब स्टार्ट की है आप उम्र के किस हिस्से में हैं उस ये बहुत अहम रोल प्ले करेगा कि आप जो आपका पूरे का पूरा एफ और टी के दरम्यान में जो डिफरेंट प्रिफर्ड पोर्टफोलियोज़ हैं उनमें से आप कौन सी वाली सिलेक्ट करने वाले हैं और इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो डेट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल कि आपका रिस्क टॉलरेंस लेवल क्या है सो so, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमें इन एडिशन टू एक्सपेक्टेड रिटर्न रिस्क वोलेटिलिटी ये तमाम चीज़ों को देखने के अलावा हमें ये भी कंसिडर करनी पड़ती हैं नाउ वेन वी हैव टू चूज़ द ऑप्टीमल कॉम्बिनेशन अभी एफ़ और टी के दरमियान में जो भी कॉम्बिनेशनस ढेर सारे रखे हुए हैं उनमें से आप कौन सा चूज़ करने वाले हैं इसमें इन्वेस्टर का वेल्थ या उसके पर्सनल प्रेफरेंसेस काउंट नहीं करते हर एक इन्वेस्टर की बकायदा पूरी डिटेल को आपने कंसिडर नहीं करना होता जब उनके लिए पोर्टफोलियोज़ डिफाइन हो रहे होते हैं जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी उनके पास कितना वेल्थ है ये तमाम डिटेल्स मैटर नहीं करी क्या चीज़ मैटर कर रही है जो एडवाइज़र्स हैं फाइनेंशियल वो कंसिडर करते हैं ये तमाम चीज़ें जो भी हमने डिस्कस की कि डिफरेंट लाइफ साइकिल के अंदर बैठे हुए लोग क्या चीज़ पसंद करते हैं उनका रिस्क टॉलरेंस क्या होगा और हाई लेवल ऑफ रिस्क टॉलरेंस के लिए कौन सी कॉम्बिनेशन बेहतर है लो लेवल ऑफ रिस्क टॉलरेंस वाले लोगों के लिए इन्वेस्टर्स के लिए कौन सी वाली फाइनल प्रोडक्ट हम बनाएं बट वॉट दे डू इज़ दे लुक एट थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि आप देख सकते हैं अगर आप गौर से देखें जो फॉर्मूला अभी हमने देखा था W1 W2 के लिए उसमें भी ये तीनों चीज़ें हमने इस्तेमाल की थी दे कंसिडर द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्राम द रिस्की रिटर्न और फ्राम द रिस्की एसेट्स एंड द रिस्क फ्री एसेट्स दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने कंसिडर की है दैट इज द स्टैंडर्ड डिवियशंस और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है को बिटवीन दैम तो टू वट इज़ दट इज़ द एक्सटेंड टू विच दे कोवेरी मूव टूगैदर दे मूव टूगैदर द इन द सेम डायरेक्शन और दे मूव टूगैदर दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन या इफ़ दे मूव टूगैदर इन द सेम डायरेक्शन तो वट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपको को रिलेशन से पता चलेंगी सो बेसिकली वॉट वी आर ट्राइंग टू डू एज़ हमने जब ऑप्टीम एले क्वेश्चन करनी है तो उसमें तीन अहम बातें देखी जाती हैं उसमें आपके इन्वेस्टर का वेल्थ नहीं देखा जा रहा उसके बेसिक डिटेल्स नहीं देख रहे पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स व्हाट वी लुक एट बेसिकली इज़ प्राइमरली हम क्या देखते हैं हम एक्सपेक्टेड रिटर्न देखते हैं डिफरेंट रिस्क की एसेट्स से क्या मिल रहे हैं उसके साथ रिस्क का लेवल क्या अटैच है जो आपको सिग्मा से पता चलेगा फिर रो वन टू हमने लिखा था सिम्बल वो आपको कोरिलेशन बताता है कि जो रिस्क एसेट्स में आप पूल कर रहे हैं इनको पोर्टफोलियो बनाने के लिए उनकी आपस की कोरिलेशन कैसी है So, these are the important factors that are considered when we go for the optimal allocation and we have a choice of different types of risky assets. And now we assume kar that we are dealing with a situation in which there are only two risky assets involved.